हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोल बुक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 22, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। साथ के साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो। इस तरीके से दो जगह तो इसका इम्पैक्ट किसी ना किसी अकाउंट में तो होगा ही होगा। तो चलिए बिना देरी के चलते अपने आज के सोल्यूशन पे। तो वन बाय वन हम आइटम को पिक करेंगे और वो प्रॉपर अकाउंट में मेंशन कर देंगे किस अकाउंट में वो जाएगा, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सबसे पहले हमें फर्नीचर गिवन है 620 रुपीज का। इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है हमें, एक डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 10%। तो सबसे पहले इसका इम्पैक्ट हम कहाँ करेंगे, हम बैलेंस शीट में करेंगे। फर्नीचर मेंशन कीजिए, फर्नीचर कितने का है 640 रुपीज का। एसेट कॉलम में मेंशन करना है क्योंकि फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट होता है। अब डेप्रिसिएशन 10% है तो 640 का 10% करेंगे तो डेप्रिसिएशन आपके पास जो आएगा वो 64 होगा। कहने का मतलब ये कि फर्नीचर में से आपको डेप्रिसिएशन 64 माइनस करना है। अमाउंट जो आपके पास आएगा अमाउंट कॉलम में वो आएगा 576। अब जैसे कि मैंने बताया कि हर ट्रांजेक्ट हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर को आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मेंशन करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख के 64 रुपीज को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से हमें गिवन है लॉस टूल्स, जो कि इस पे भी हमें बता रखा है, इसकी भी एडजस्टमेंट हमें गिवन है, जो कि बता रखी है लॉस टूल्स आर रिवैल्यूड एट 5000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो रिवैल्यू बता रखी है इसकी 5000 रुपीज है। तो यहाँ से समझे गए 5000 रुपीज डेप्रिसिएशन नहीं बता रखा, ये बता रखा है कि उसकी वैल्यू में अब चेंज हो गया, वो वैल्यू 5000 रुपीज की है। तो मतलब की डेप्रिसिएशन कितने का लगा है, तो 6250 रुपीज की इसकी एक्चुअल ओरिजिनल कॉस्ट थी और 5000 रुपीज की रिवैल्यू हो गई, तो 1250 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है। तो ये भी बिजनेस के लिए एसेट होते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे हम 6250, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो कि मैंने अभी बताया 1250 रुपीज का है, अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 5000 रुपीज। इसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ लॉस टूल्स करके, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 1250 रुपए का, तो 1250 रुपए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दीजिएगा डेबिट साइड। इसके बाद हमें गिवन है बिल्डिंग 7500 रुपीज की, इस पे डेप्रिसिएशन है 5%। तो यहाँ पे बिल्डिंग बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो एसेट में मेंशन कीजिए बिल्डिंग 7500 रुपीज, 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट होकर आएगा 375। इसको माइनस करने पे अमाउंट कॉलम में आ जाएगा 7125। अब डेप्रिसिएशन है एडजस्टमेंट में गिवन था, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आपको करना होगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लिख के 375 को शो कर दीजिएगा। अब हमें नेक्स्ट गिवन है कैपिटल अकाउंट 12500 रुपीज है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का पार्ट होता है, तो कैपिटल लिख के मेंशन कीजिए 12500 को। मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि अभी इसमें नेट प्रॉफिट प्लस होगा और ड्रॉइंग माइनस होगी। जब हम उस आइटम में पहुंच जाएंगे तो हम यहाँ पे शो भी कर देंगे। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद हमें बैड डेट्स गिवन है 125 के। बैड डेट्स वो लोग होते हैं जिन्होंने हमसे उधार पर मान लिया पर पैसा नहीं दिया, तो वो बैड डेट्स है 125 के, ये ओल्ड बैड डेट्स है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके ना एक क्या गिवन है, इसके एडजस्टमेंट गिवन है, जिसमें दो बातें हैं। पहली बात तो कह रखी है कि राइट ऑफ अ फदर बैड डेट्स 100 रुपीज। तो ये क्या हो गया, ये फदर बैड डेट्स है ना, ये आपके पास, आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास एडिशनल बैड डेट्स हो गए 100 रुपीज है, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना होगा, प्लस करना होगा, और साथ ही प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेप्ट है ना, ये आपको कैलकुलेट करना होता है 5% बता रखा है उन डेटर पे। तो अभी सबसे पहले हम इन दो चीजों को शो करते हैं। तो बैड डेट्स हमें गिवन है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा, ओल्ड बैड डेट्स करके मेंशन कीजिएगा 125। इसके बाद आपको फदर बैड डेट्स बता रखे हैं, तो ये आपको ऐड करना होगा। फदर बैड डेट्स कितने रुपीज के, 100 रुपीज के है। अब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ऑन डेटर पता करना है, तो हमें डेटर पता होना चाहिए कि डेटर कितने होंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। डेटर हमें बता रखे हैं कि 3800 रुपीज के है। आप देखिएगा कि प्रोविजन कैलकुलेट करना, प्रोविजन क्या होता है कि हमने पहले से प्रोविजन बना रखा था कि भाई हमने अंदाजा लगा रखा है कि इतना तो हमारा बैड डेट्स होएगा ही होगा, एक प्रोविजन बना रखा था। तो ओल्ड प्रोविजन में हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, तो ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है आपको ये बता देता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं डेटर, डेटर कितना है एसेट साइड में, एसेट साइड में डेटर लिख के मेंशन कीजिएगा 3800 रुपीज। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको जो फदर बैड डेट्स है ना, ये आपको माइनस करने होते हैं, तो यहाँ पे लेस कीजिएगा फदर बैड डेट्स जो कि 100 रुपीज है, और इसमें से आपको लेस करना है न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन अभी
हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो न्यू प्रोविजन कैलकुलेट कैसे होता है ये समझिएगा। न्यू प्रोविजन कैलकुलेट होगा जब आप डेटर में से ये 100 रुपीज जो फर्दर बैड डेट है ये माइनस कर देंगे, तो आपका 3700 आएगा, उसका आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका न्यू प्रोविजन होगा। तो यहाँ पे जो आपका न्यू प्रोविजन होता है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करना होता है, जो कि आपका 185 होगा, और आपको बैलेंस शीट में से माइनस करना होता है न्यू प्रोविजन, जो कि आपका होगा 185। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ अभी तक हमने क्या किया है। हमें क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स गिवन थे, इसके बाद एडजस्टमेंट में हमें फर्दर बैड डेट्स गिवन है, तो इनको आपको क्या करना है, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस करना है ओल्ड बैड डेट्स में, और साथ के साथ जो फर्दर बैड डेट्स गिवन है, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह इंपैक्ट तो होगा होगा, इसको डेटर में से माइनस करना है। अब इसके बाद हमें प्रोविजन निकालने के लिए बता रखा है 5%, तो आपको 3800 रुपीज जो आपके डेटर है उस पर पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करने होंगे, उसका 5% आपको कैलकुलेट करना होगा, तो 185 आएगा। तो ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था, इसका दो इंपैक्ट, दो जगह इंपैक्ट होगा। तो पहला हमने न्यू प्रोविजन को प्लस कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा हमने बैलेंस शीट में आपको डेटर में से वो माइनस भी करना होगा। इसके बाद हमें ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 3515 रुपीज आ जाएगा। न्यू प्रोविजन हमें कितना, ओल्ड प्रोविजन हमें कितना गिवन है 200 रुपीज, इसको आपको खाली एक जगह दिखाना है क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था, तो ये भी लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 200 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड बैड डेट्स में प्लस होगा फर्दर बैड डेट्स, और न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करके 210 रुपीज आएगा। आई होप कि आपको बैड डेट्स का डाउट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हमारा पूरा कंसेप्ट दे रखा है बैड डेट्स का इस क्वेश्चन में, जिसमें हमें सब कुछ गिवन है, फर्दर बैड डेट्स भी गिवन है, प्रोविजन भी कैलकुलेट करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, तंदरी क्रेडिटर की मन था, तो ये लायबिलिटी होती है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेंशन कीजिए 2500 रुपीज। देन हमें क्या गिवन है, हमें स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 गिवन है, ये ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा डेबिट साइड 3460 रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है परचेज एंड सेल, तो परचेज पार्ट होता है डेबिट साइड का ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट के, और सेल्स पार्ट होता है क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट के। तो यहाँ पे परचेज लिख के मेंशन कीजिए 5475, और सेल्स लिख के मेंशन कीजिएगा 15450 क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने अमाउंट ही कॉलम में क्यों मेंशन नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो अभी हमने इसको सिर्फ पर्टिकुलर्स में मेंशन करा है। देन हमें गिवन है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि 2850 रुपीज है, जो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के लायबिलिटी साइड मेंशन कर दीजिए 2850 रुपीज। इसके बाद हमें सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की बने, तो देखिए परचेज रिटर्न को माइनस करना होगा परचेज में से, सेल्स रिटर्न को माइनस करना होगा सेल्स में से, तो सेल्स रिटर्न 200 रुपीज की है, माइनस करके 15250 आएगा, और परचेज रिटर्न 125 की है, माइनस करके आपके पास 5350 आएगा। तो इस तरीके से आपने अमाउंट के कॉलम में भी शो कर दिया। नेक्स्ट हमें गिवन है स्टेशनरी 450 रुपीज की, तो कि एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का पार्ट है, इसकी एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है, हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ हिज पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग होगी एक तरीके की, क्या होगी, ड्राइंग होगी। तो स्टेशनरी कितनी है 450 रुपीज के, मेंशन कीजिए 450 रुपीज, इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या ड्राइंग माइनस कर दीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह इंपैक्ट तो होगा ही होगा, तो पहला इंपैक्ट तो हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टेशनरी पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया है, तो 225 होगा 450 का हाफ। अब साथ के साथ इसका इंपैक्ट क्या होगा, मैंने बताया कि ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो ड्राइंग लिख के आप माइनस कर दीजिएगा क्या 225। जब हमने ड्राइंग मेंशन कर दिया, अभी भी हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट अभी और ऐड होगा, और यहाँ पे हमने माइनस करके 225 हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट हमें गिवन है इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट पार्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इंटरेस्ट पे करा है, तो डेबिट साइड मेंशन कर दीजिएगा 118 रुपीज। इसके बाद गिवन है हमें कमीशन, कमीशन हमें रिसीव हुई है ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड मेंशन था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा, कमीशन रिसीव करके 375 रुपीज मेंशन कर दीजिए। देन हमें कैश इन हैंड गिवन है, तो एसेट साइड मेंशन कीजिए कैश इन हैंड, और 650 रुपीज का अमाउंट कॉलम में मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें गिवन है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, जो कि 1250 है, इसके बाद आपको इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है, एक तो सैलरी की गिवन है, सैलरी की हम सैलरी के साथ करेंगे, अभी हम टैक्सेस एंड इंश्योरेंस की बात करते हैं, और टैक्सेस का आउटस्टैंडिंग है 120 रुपीज का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको क्या करना है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें आपको एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि आपको प्लस करना होगा टैक्सेस एंड इंश्योरेंस में। साथ ही एक और एडजस्टमेंट गिवन है इंश्योरेंस की, क्योंकि इसमें दो बातें ना, एक तो टैक्सेस की और एक इंश्योरेंस की, तो टैक्सेस का आउटस्टैंडिंग टैक्स है, जो कि 120 रुपीज हम प्लस कर देंगे, इंश्योरेंस पे प्रीपेड की बात हो रही है, जो कि आपको माइनस करना होगा। किस तरीके से करेंगे समझिएगा, तो सबसे पहले टैक्सेस एंड इंश्योरेंस लिख के अमाउंट को लिखिएगा 1250 रुपीज, इसमें ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग टैक्सेस जो कि 120 रुपीज है, और लेस करना होगा प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 100 रुपीज है, कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 1270 रुपीज।
अब सेम ये मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को तो लाइबिलिटी में शो कर देंगे हम, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस को लाइबिलिटी में शो कर देंगे 120 रुपीज, और जो इंश्योरेंस है प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट में शो कर दीजिए कितना है 100 रुपीज। तो इस तरीके से हमने इसका इम्पैक्ट भी शो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको भी हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में शो कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जनरल एक्सपेंस गिवन है 782 रुपीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, जनरल एक्सपेंस लिख के 782 लिखेगा डेबिट साइड। देन हमें गिवन है सैलरी 3300 रुपीज की, तो ये वही चीज आ गई क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट गिवन है, क्या गिवन है 300 रुपीज की आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये आपको प्लस करना होगा यहाँ पे, कहाँ पे प्लस करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी लिख के 3300 लिखेगा, इसमें आउटस्टैंडिंग प्लस कीजिएगा 300 रुपीज, ये आपके पास आ जाएगा 3600 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग सैलरी को आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है 300 रुपीज लाइबिलिटी साइड। अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, स्टॉक इन हैंड गिवन है हमें आइटम में, ये स्टॉक इन हैंड हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है कितना 3250, ट्रायल बैलेंस से बाहर गिवन था, तो दो जगह इंपैक्ट होगा इसका, तो होगा आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन था, हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 3250 रुपीज, और ऐसे फिर मेंशन कीजिए क्लोजिंग स्टॉक 3250 रुपीज। अब हमें क्या करनी है, अब हमें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पता करना है, तो कैसे पता होगा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, तो प्लस करेंगे जब क्रेडिट साइड को, तो 18,500 रुपीज आएगा, जिसमें से आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा ग्रोस प्रॉफिट जो कि होगा 9,690, जिसमें आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, हमारी इक्वल आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो ग्रोस प्रॉफिट आया था इसको ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये कितना आया था 9,690 आया था, आप टोटल कीजिए आप क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 10,065 रुपीज, इसमें आप डेबिट साइड को प्लस करके माइनस करेंगे 10,065 में से, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 2,171 रुपीज का। अब हमें नेट प्रॉफिट पता चल गया, तो इसको आपको ट्रांसफर करना है कहाँ, इसमें आपको बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट प्लस करना है 2,171 रुपीज को, प्लस करके आपके पास जो अमाउंट कॉलम में आएगा 14,446 आएगा, यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 20,216 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आएगा 20,216 ही हमारा डेबिट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।